हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही बड़े रेसिपी। तो दही बड़े वैसे भी सबको पता है बहुत अच्छा होता है, टेस्टी टेस्टी होता है, हर किसी को पसंद है। तो चलिए क्यों ना हम घर पे एक हेल्दी और हाइजीनिक तरह से एक टेस्टी डिलीशियस दही बड़ा बनाते हैं। सबसे पहले हम दही बड़ा बनाने के लिए लेंगे दही, ये अबाउट 250 ml है, 250 ml, एंड 250 ml, या आप जैसा भी क्वांटिटी अपने दही बड़े का रखना चाहते हैं। कुछ 4-5 लोगों के लिए बनाना है तो ज़्यादा दही लगेंगी, दो लोगों के लिए बनाना है तो दही वो तो आपके बड़े के अकॉर्डिंग दही होगा। ये हमारी लेंटिल्स है, यानी उड़द दाल बिना छिलके वाली, इसे हमने एक रात तक भिगो के रखा था। जब ये अच्छे से सोक्ड हो चुके थे, भीग चुके थे, फिर हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया बड़े के लिए। आगे ये ग्रीन चिलीज हैं, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चियाँ, ये हम बड़े में मिलाएंगे। आप चाहें तो जब आप लेंटल्स को ग्राइंड कर रहे होते हैं, यानी उड़द दाल को, तो मिर्ची या धनिया पत्ती जो है ये सब आप साथ में ग्राइंड कर सकते हैं, तो वो एक अलग ही टेस्ट आता है बहुत, और दिखने में भी अच्छा लगता है। ये सिलेंट्रो, धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स, ये भी हम इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे एंड बाकी टेस्ट के लिए है। ऑयल ये हम बड़े को फ्राई करने के लिए लेंगे, 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हम बड़े में लेंगे। क्यूमिन सीड्स, जीरा, ये भी 1 छोटा चम्मच हम बड़े में लेंगे। एंड सॉल्ट, ये तो स्वाद अनुसार है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा चाट मसाला है, ये हम बड़े एंड दही दोनों मिलेंगे। और ये है रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, यानी भुने हुए जीरे का पाउडर, ये हम दही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी दही है उसे हम रेडी करेंगे। उसमें हम, तो अब हम इसमें पहले ये 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, ये हम जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर डालेंगे, ज़रा सा सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, एंड शुगर हम इसमें ऐड करेंगे 2, 3, 4। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है आप शुगर मत ऐड करिए, और अगर आपको मीठा पसंद है तो शुगर ऐड करिए, और उसमें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए कि कितना मीठा आपको चाहिए। मुझे एवरेज स्वीटनेस चाहिए, तो उसके लिए मैं, ये सारे मिक्सचर्स मेरे हो गए हैं और दही बड़े के, मैं इसको मिक्स कर लूँगी बढ़िया से और थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दूँगी। उससे क्या होगा, जो हमारी शुगर मैंने इसमें डाली है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी दही बड़े में। तो ये हमारी जो बड़े दही बड़े की दही है वो रेडी है, इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, तब तक हम अपने बड़े रेडी करेंगे। ये हमारी दही तैयार है और अब हम इसे एक साइड पे रख देते हैं। उसके बाद अब हम ये अपना बोल लेते हैं जिसमें हमारे ग्राइंडेड लेंटिल्स हैं, यानी उड़द दाल है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड लेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है, और अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, मत डालिए। ये हमारी कोरिएंडर लीव्स इसमें जा रही है, आप चाहें तो इसे ग्राइंड करते टाइम साथ में ग्राइंड कर लें, बस इतना काफ़ी है। एंड हमारी ग्रीन चिलीज, ये भी आप साथ में ग्राइंड कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो हमारा सॉल्ट है वो हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, सॉल्ट हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्ट अभी ऐड कर देते हैं तो ये इसमें काफ़ी मेल्टी सा हो जाएगा, ये इसमें वाटर आने लगेगा जो कि हमारे बड़े के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम इसे अभी ऐसे मिक्स कर लेंगे, और जब हम इसे फ्राई करने वाले होंगे तब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। बस
देखिए हमारा जो बड़े का मिक्सचर है वो लगभग तैयार है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है इसे, वरना बड़े का शेप अच्छा नहीं आएगा। ये सब कुछ मिक्स हो गया और लास्ट में आप इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। तब तक इसको हम यहाँ पे रखते हैं और हम इसको फ्राई करने के लिए अपना जो ऑयल है उसे हीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल अगर अच्छे से हीट होगा तो बड़े को पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छे सुनहरे कलर के बड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। फ्लेम ऑन करते हैं और ये हमारा पैन है। आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा या जितना गहरा पैन होगा उतना ही फ्राई करने में आसानी होगी और अच्छा होगा। ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा तो हम इसमें अपनी ऑयल डालेंगे और इसको बीच बीच में मिक्स करते रहिए। तब तक में ये इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, काफ़ी अच्छा कलर भी आ रहा है। अब हम इसमें अपने पैन में ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिए ताकि जब हम फ्राई करें बड़ों को तो बड़े काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब इसे थोड़ा हीट होने देते हैं और तब तक एक बार हम इसे और अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे ताकि हमारा तब तक जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से हीट हो जाए। फिर हम अपनी बड़ी को फ्राई कर लेंगे और काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमारा पेस्ट। और दही बड़ा ऐसी चीज़ है जो अक्सर हर किसी को पसंद होती है। आप चाहें थोड़ा सा चाट मसाला में ऐड कर, वो सॉरी ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लेंगे, काला नमक ज़रा सा सिर्फ टेस्ट के लिए। और मैंने सॉल्ट भी, ब्लैक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट मैंने दोनों लास्ट में ही ऐड किए हैं क्योंकि बस फ्राई करने वाले हूँ तभी। और ऐसा मैं कह रही थी कि दही बड़ा जो है बहुत ही अच्छा होता है, हर फंक्शंस में यूज़ होता है डेजर्ट। और आप चाहें तो घर पे बनाएं, छोटी मोटी पार्टी हो उसमें एज अ डिज़र्ट बनाएं, या पार्टी नहीं भी है, फैमिली इकट्ठा है तो पार्टी समझिए, तो अपनी फैमिली को खिलाइए, खुद खाइए। और सबको दही बड़े बहुत पसंद होते हैं और हेल्दी भी है। उड़द दाल सबको पता है कि बहुत हेल्दी होता है, कई सारे बेनिफिशियल हेल्थ के लिए होते हैं उसमें बेनिफिशियल थिंग्स। अब हम इसमें, हमारा ऑयल जो है हीट हो रहा है, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इतना सॉल्ट ऐड करके एक बार आप मिक्स करके चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप सॉल्ट जो है एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, अदरवाइज इतना काफ़ी है। हमारा सॉल्ट ठीक है, अब हम इसमें और सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर दिए। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम जो बड़े को है फ्राई करने का टाइम आ गया, हमारा ऑयल काफ़ी अच्छे से हीट हो चुका है। चाहें तो आप ऐसे थोड़ा सा पहले डाल के चेक भी कर लें, अगर ये ऊपर आ जाए तो समझिए आपका ऑयल जो है वो हीट है। देखिए ये पकना शुरू हो गया और ऊपर आ गया। और जब आप अपने बड़े को इसमें डालें, चाहें तो आप अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं बड़े को शेप देने के लिए, और अदरवाइज आप इसे स्पून से भी ऐसे डाल सकते हैं। और अगर आपका जो बड़ा है दही बड़ा का काफ़ी अच्छे से मैश्ड है, मतलब काफ़ी अच्छे से मिक्स है स्पाइसेस के साथ, तो बहुत अच्छे से फूल जाता है, अपनी साइज़ को इंक्रीज कर लेता है। हाथ से ही डाल देती हूँ। इस तरह से थोड़ा हमारे पैन में स्पेस है तो हम उसका पूरा यूज करेंगे। ये बस हो गया, अब हम इसको पहले फ्राई करेंगे
और बाद में फिर जो बचे हुए हैं उसे हम करेंगे। तब इसे हम थोड़ा पकने देते हैं और बीच बीच में हिलाते रहे ताकि आपस में चिपके ना और अच्छे से पक जाए, जले भी ना। इस तरह से हिलाते रहिए और थोड़ा सा कुक होने के बाद इसे हम टर्न करना स्टार्ट कर देंगे चारों तरफ से ताकि ये पक जाए अच्छे से। ये देखिए कितने इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है और अच्छे भी लग रहे हैं लुक वाइज। अब इसे थोड़ा हम और करेंगे ताकि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर से भी पक जाए वेल। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो बड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन। एंड अब टाइम है इन्हें यहाँ से निकालने का ऑयल से। तो अब हम इसे इस तरह से ऑयल से निकाल लेंगे। तरह से और इसमें अपने प्लेट में सर्व कर लेंगे। एंड हम थोड़ा ऐसा पेपर लेंगे जिसमें हमारे जो ऑयल भी है थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब हो जाए पेपर पे, टिश्यू पेपर पे। बाकी के जो हमारे बचे हुए बड़े का मिक्सचर था वो हम डालेंगे। देखिए हमारे ये वाले बड़े भी हो चुके हैं, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। और अब हम इन बड़ों को भी सेम इसी तरह से निकाल करके प्लेट में डाल देंगे। और जो थोड़े ठंडे हो चुके बड़े हैं, देखिए हमारा बड़ा एकदम रेडी है, काफ़ी लुक में अच्छा लग रहा है और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। और अब जो हमारे पहले से निकाले हुए बड़े थे थोड़े जो ठंडे हो चुके होंगे, ये हमने एक कर्ड वाटर तैयार किया है। ये 1 स्पून, ये 1 टेबल स्पून कर्ड इसमें था, बाकी 1 कप वाटर है। और इस वाटर में हम अपने बड़ों को भिगो लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे बड़ों का ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा कम्प्लीटली। और ये जो बड़े हैं थोड़े अभी कुरकुरे हैं, क्रिस्पी हैं, ऐसे ही खाने वाले हैं, बट अगर हमें दही में डालना है तो इसे हम इसमें डाल के डिप करेंगे और थोड़ा सा जो इसका ऑयल है रिलीज़ होने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और ताकि ये जब दही में जाएगा तो टेस्ट और इंक्रीज़ होगा और ये दही को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा खुद में। तो 1 बाय 1 हम इसमें डालते हैं, डिप कर देंगे। जो थोड़े ठंडे हो चुके हों पहले उन्हें हम डालेंगे, बाद में फिर जो अभी निकाले उन्हें। इस तरह से फिर हम स्पून की हेल्प से इनको अंदर ऐसे ऐसे कर लेंगे, डिप कराएंगे। और थोड़ी देर बाद फिर हम इन्हें, जब लगेगा हमें कि ये ऑयल अब रिलीज़ हो चुका है इनमें से, तो एक एक करके हम इसे निकाल करके अपने जो हमने दही वाला मिक्सचर तैयार किया था उसमें डालते जाएंगे इस तरह से। और फिर आपकी जब दही बड़े रेडी हो तो आप उन्हें टैमरिंड चटनी यानी इमली की चटनी या मैंगो की जो कोई खट्टी मीठी चटनी आती है उसके साथ, या जो भी आपकी पसंदीदा चटनी है उसके साथ सर्व करिए या ऐसे ही खाइए। काला नमक एंड जीरा पाउडर डाल के वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से अपने घर पे रेसिपी ट्राई करिए, बनाइए एंड टेस्टी हेल्दी अच्छा जो दही बड़ा है वो खाइए, मज़े लीजिए उसके अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए हमारी दही यहाँ रखते हैं और अब देखिए ये ऑयल रिलीज़ कर चुका है, थोड़ा साइज़ में और इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसका जो पानी है अंदर का वो निकाल के दही में डालते जाएंगे और संभाल के पुश करना है इन्हें, पानी इनका निकलना, वाटर अंदर से ये फटे नहीं। इस तरह से और ये हो गया है। अब हम ये इसमें एक एक करके डाल देंगे और हमारे तो अब जो बाकी वाले हमारे बड़े थे वो भी थोड़े ठंडे हो गए, उन्हें भी हमने पानी में डिप कर रखा है, मिल्क सॉरी कर्ड वाटर में। और ये हमारा जो कर्ड तैयार था दही बड़े के लिए, इसमें हमने ये डाल के थोड़ा सा डिप करना है बड़े को। और देखिए ये अभी थोड़ी देर में बहुत ही बढ़िया लुक आएगा इसका। हम इस तरह से आपका दही बड़ा तैयार हो जाए, आप अपना सर्विंग प्लेट लीजिए और सर्विंग प्लेट में अपने दही बड़े को सर्व करके खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए, एंजॉय करिए एंड अप्रिसिएशन पाइए। तो चलिए
जो हमारे ये थोड़े और रेडी हो चुके हैं बड़े, इन्हें भी हम इसमें डाल के फिर हम सर्विंग प्लेट पे ट्रांसफ़र करते हैं इन्हें इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दही बड़ा रेडी है एकदम, और मैंने इसे थोड़ा सा सर्विंग प्लेट में डाल के गार्निश भी कर लिया है। और इस तरह से आप अपना दही बड़ा जो है बना करके सर्व करके गार्निश कर सकते हैं, या चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ को अपने क्रिएटिविटी आइडियाज़ के थ्रू भी गार्निश कर सकते हैं, वो और अच्छी बात है। तो ये हमारा दही बड़ा जो है एकदम रेडी है सर्व करने को, खाने को। और इस तरह से आप भी अपने घर पे बनाइए रेसिपीज़, हमारी रेसिपी शेयर करिए, या आपके पास कोई रेसिपी है या सजेशन है या क्वेश्चन है वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट के थ्रू हमारे कमेंट बॉक्स में। एंड इस तरह की रेसिपीज़ हम आपसे शेयर करते रहेंगे जो टेस्टी है, हेल्दी है और अच्छी है, जो घर पे आराम से बन सकती है, बाहर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो एंड इस तरह के वीडियोज़ आप भी इंजॉय करिए हमारे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।